मम्मी, बुआ जी, सलोनी, अरे कोई है क्या? अरे यार, मम्मा, भावना, अरे अरे क्या हुआ? अरे भावना, तुम अंदर लॉक कैसे हो गई थी? मम्मी, ये दरवाजे का लॉक अंदर से खराब हो गया है, खुल ही नहीं रहा था। लो, अगर सलोनी नहीं आती ना तो मैं अंदर बंद हो जाती। अच्छा हुआ तुम आ गई, कल ही इसका लॉक ठीक करवाएंगे। है ना मम्मी? हाँ। बुआ जी, कल इसका लॉक ठीक करवा देंगे। हाँ हाँ, चलिए जल्दी चलते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। आप तीनों कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम मेरी एक फ्रेंड के यहाँ जगराता रखा है तो हम वहाँ ही जा रहे हैं। तुम भी चलो सलोनी। वैसे अब अरमान भाई घर में अकेले हैं और ब्रिज अंकल की तबीयत अगर खराब हुई और कोई इमरजेंसी हुई तो उन्हें जाना पड़ सकता है। ऐसे में घर पे किसी को तो रहना चाहिए ना, ऐसे खाली घर छोड़ना सेफ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, और वैसे भी मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर आप लोग जब आएंगे ना रिटर्न तो मेरे लिए प्रसाद जरूर लेकर आइएगा। जरूर बेटा, चलो चलते। ये देखो रामकली सारे कपड़े यहीं छोड़ कर गई है, मैं एक मिनट मेरे रूम में रख के आती हूँ। अरे आंटी जी आप रहने दीजिए, आप लोग जाइए मैं रख दूंगी। ठीक है बेटा, थोड़े फोल्ड करके रख देना। हाँ थैंक यू। कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, मंजू आंटी के यहाँ जगराते हैं तो वहीं जा रहे हैं। तुम्हारे लिए खाना मैंने किचन में रेडी रखा है, खा लेना। जी। भाई, जब आप अपने लिए खाना निकालेंगे तो सलोनी को भी दीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? जब से आप और दिया भाभी हॉस्पिटल गए हैं ना, उसने कुछ भी नहीं खाया है, हमारी तो एक भी नहीं सुनती है। अंदर मम्मी के रूम में अभी भी काम कर रही है, आप बोलेंगे तो शायद मान जाए। चल ठीक है, चलो चलते हैं, हम देर हो जाएगी। अरमान आओ। हाँ, बड़ी झल्ली है यार तू सलोनी। वो तो मैं हूँ, वो भी बचपन से। तुम्हें अब पता चला? हाँ बिल्कुल पता, मुझे बचपन से ही है। लेकिन तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अगर मैं खाना नहीं खाता तो तुम जब तक मैं जबरदस्ती ना खा लूं तब तक पूरे घर को सर पर उठा के रखती हो। थोड़ा ज्ञान अपने लिए भी बचा लो, खाना खा लो। पर अरमान, मेरा सच में कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मतलब मुझे अपनी बचपन वाली ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तुम्हारा फेवरेट दाल चावल मिक्स करके छोटी सी बाइट बना के खाओ, खाओ उसको। बैंगन की सब्जी भी है। दरवाजा कैसे बंद हो गया? यार कौन बंद कर गया यार? हवा से बंद हो गया शायद। अरे ये लॉक तो खराब है, ऐसे बाहर से ही खुलता है। भावना भी अंदर बंद हो गई थी। तुम बाहर किसी को आवाज दो ना। हाँ। अब मम्मी, भावना। लगता है सब लोग जगराते में चले गए। तुम एक काम करो, भावना को कॉल करो। हाँ। ओश, मेरा फोन मेरे कमरे में। मेरा फोन? मेरा भी। लगता है सब लोग चले गए और सुबह से पहले तो ये लोग आने भी नहीं वाले। जगराता है ना अब? अब फंस गए।
मम्मी बुआ जी अब फंसे दोनों, अब देखना क्या होगा। क्या? हम तुम एक कमरे में बंद हो और दिल की बात सुबह पे आ जाए। अरमान का फोन नहीं आया तब से। बुरी तरह फंस गए, वो भी अपने ही घर में। अरमान तुम्हें याद है स्कूल में एक बार मैं वॉशरूम में फंस गई थी और मैंने कितना ठोका पर कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था और तुमने एकदम सुपर हीरो वाली एंट्री लेके दरवाजा तोड़ के मुझे बचा लिया था। और उसके बाद क्लास के लड़कों ने मेरा इतना मजाक बनाया था कि मैं बिना सोचे समझे दरवाजे तोड़ के लड़कियों के वॉशरूम में घुस रहा हूँ। एटीट्यूड तो तुम्हें बचपन से है। हा? हाँ हाँ बचपन से और आज तक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मन में आए ना वो कर देना चाहिए और खासकर इस जजमेंटल सोसाइटी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं तो स्ट्रांगली मानता हूं कि जो मन में आए वो करो और दुनिया की परवाह ना करें तो कभी ना कभी वो चीज सच हो जाती है जो हम सच्चे दिल से चाहते हैं। सब काम बाद में कर लेना, खाना खा लो भी। ठीक है। हाँ भाभी, वो भाई सलोनी के साथ पता नहीं कहाँ चले गए। शायद बाहर ही गए होंगे, पर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि दोनों अपना फोन घर पर ही छोड़ गए। खैर कोई बात नहीं, आएंगे तो मैं बता दूंगी कि आपका कॉल आया था। मम्मी बुआ जी, मेरी ना अभी अभी दिया भाभी से बात हुई है। मैंने उनके मन में ऑलरेडी शक डाल दिया है। मैंने उनसे ये कहा कि भाई और सलोनी बाहर गए हैं अकेले। ये तूने बहुत बढ़िया किया भावना। जैसे भावना, कभी कभी तो हमें भी तेरी चालाकियों से डर लगने लगता है। अरे भाई कितनी सफाई से झूठ बोलती है तू। बस सब इसी तरीके से ऐसी आग लगे कि दिया का दामन अरमान से छूट जाए और सलोनी का रिश्ता अरमान से जुड़ जाए। कमाल है, सब कुछ तो प्लान के मुताबिक चल रहा है, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? इसलिए तो खुश नहीं हूं क्योंकि सब कुछ एक प्लान के हिसाब से हो रहा है। क्या क्या मतलब है मम्मी? मैं कैसे खुश हो जाऊं जब मुझे अरमान को एक लड़की के साथ जो उसकी पत्नी भी नहीं है कमरे में बंद करना पड़ रहा है। क्या मैं नहीं जानती ये बात कितनी गलत है? अरे तो तुम्हारी भी तो मजबूरी है ना। हाँ मजबूरी तो है, ये सब मैं अरमान की खुशी के लिए ही कर रही हूँ और वो भी दिया की वजह से। उसे मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। और नहीं तो क्या, अब इस घर का वंश कैसे आगे बढ़ाना ये भी तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा ना। परिवार की बड़ी बड़ी खुशियों के लिए ये छोटे मोटे बलिदान तो देने ही पड़ते हैं भाई। तुम तो बस ये मान लो कि अरमान की एक बड़ी खुशी के लिए तुम ये छोटा सा त्याग कर रही हो। हाँ दीदी, इस वक्त अरमान और इस घर को वो खुशी सिर्फ और सिर्फ सलोनी दे सकती है और इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ।
एक माँ का दिल तो यही चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे और सच बाहर आने पर उससे नाराज ना हो। हाँ, उसको लगता था कि तुम उसे प्यार से देख रही हो, तुम देखती थी गुस्से में। अब वो आ गया गलत फहमी में, वो बेचारा प्रपोज करने के लिए रोज लेके आया, उसी हाथ से तुम्हें एग्जैक्टली और उसी हाथ से वो अपना गाल छुपा रहा था जिस पे मैंने उसे थप्पड़ मारा था। हाँ, क्या क्या बीती होगी बेचारे पर। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद किसी और ने प्रपोज नहीं किया तुम्हें? शर्मा क्यों रही हो, बता दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना जीवन साथी तुम खुद ही ढूंढ लो। मैं बता रहा हूं, लाइफ एकदम सुधर जाएगी, सब खूबसूरत हो जाता है। तो आप मुझे ही देख लो। या मेरे लिए सब कुछ है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सोलमेट है, परफेक्ट पार्टनर है। तुम भी ढूंढो अपने लिए परफेक्ट पार्टनर। तुम भी सच्चे दिल से मांगोगी कोई ना कोई मिल जाएगा, हो सकता है कोई आसपास ही हो। एक है मेरे दिल के करीब, हम उससे बहुत दूर, पर उसे कहने से डरती हूँ, पर आज कह सकती हूँ, अरमान आई लव यू, आई रियली लव यू, बचपन से अब तक। पापा? हाँ, अरे दिया आजा आजा, गुड मॉर्निंग, आजा गरम गरम चाय पी ले। पापा आपने चाय क्यों बनाई, मैं बना देती ना आपके लिए, आपको आराम करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तू ना बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बिना पूरी बात सुने डांटना शुरू कर देती है। अरे मैं इस बिस्तर से हिला तक नहीं हूँ, चाय तो पलकी ने बनाई है, बहुत बढ़िया वाली। पलकी ने? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आपका मेडिसिन का बॉक्स सेट कर देती हूँ, दिन और टाइम के हिसाब से आपके लिए इजी रहेगा। अरे तेरा टू डू लिस्ट सारा तेरी बहन ने कर दिया है, वो देख दवाइयाँ और शेड्यूल सब सेट कर दिया एकदम। पलकी ने? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लो आप भी लो। पापा ये पू बनी पार्वती तो सुना था, लेकिन ये पलकी बनी पुजारन कब से हो गया? अरे अरे नहीं नहीं, ये तो मुझे अंजू जी का क्या कहते हो तुम लोग, अपडेटेड वर्जन लग रहा है। अंजू 2.0। हाँ हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक आप लोग, शाम को वीडियो कॉल पे ना मम्मी से सबकी शिकायत करूंगी मैं, देख लेना। नहीं नहीं तू अच्छी लग रही है। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन पलकू, ये दिल्ली में इस भरी गर्मी में तूफान कैसे आ गया? मतलब सुबह उठ के तूने अपनी बेडशीट बनाई, फिर पापा के लिए चाय बनाई, फिर वो मेडिसिंस का बॉक्स भी सेट किया, तब ये रातों रात हो क्या गए? क्योंकि सिर्फ आप ही मम्मी की अच्छी बच्ची नहीं हो, मैं भी हूँ, मैं भी उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हूँ। यस अभी हटो। पापा हाँ, अब टाइम हो गया है। किस चीज का टाइम? भाई आपके लिए तीसरा दामाद ढूंढने का। बिल्कुल ठीक कहा तूने, अब इसके लिए लड़का ढूंढना ही पड़ेगा, बिल्कुल अरमान जैसा। नहीं कोई है तेरी नजर में? पापा मैं सोच रही हूँ पलकी का सरनेम माथुर से अब शर्मा कर देते हैं। क्यों? देखो ना कैसे शर्मा रही है। क्या दी, आप भी ना जीजू की तरफ पीजेस क्रैक करने लग गए हो, अभी बैठो आप, मुझे जाना, हटो 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 हटो। अरे कैसे शर्मा के चली गई देखो। तू बेटे चैन से अपने घर जा, देख पलकी कितने अच्छे से मेरा ध्यान रख रही है, तेरी भी जिम्मेदारियां है ना वहां, और कोई जरूरत होगी यहाँ तो तुझे बुला लेंगे ना।
आई होप अरमान मम्मी जी को मना पाए हूँ और वहां सब ठीक हो। सुबह हमारे सर पे ये बर्तन कौन बजा रहा है? अरे चुप हो जाओ कमबख्ता, चुप हो जाओ, मार डाला रे। भावना की बच्ची, ये सब तेरी करतूत थी ना? मुंह क्या देख रही है? हाय राम, अरे तू तो चाहती है कि हम दिल के दौरे से मर जाएं, लेकिन एक बात याद रखना, मरते मरते तेरे नाम कुछ नहीं करके जाने वाले, उल्टा ना भूत बन के आएंगे तुझे डराने के लिए, समझी? मेरी मानो बुआ जी, ये मरे आपके दुश्मन, अगर मैं आपको नहीं उठाती ना तो आप इतना बड़ा धमाका मिस कर देंगी जो अभी होने वाला है। क्या है बुआ जी, आप ना कुछ समझती नहीं है। चलिए चलिए, उठिए उठिए, अरे उठिए उठिए, क्या उठिए और चलिए मेरे साथ। रुक तो, हमें अपना चेहरा मोरा तो ठीक करने दे। बुआ जी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं आप, थोड़ी देर इस आईने को आराम करने दीजिए, चलिए उठिए उठिए। क्या क्या करती रहती? उठो उठो उठो, चप्पल चप्पल तो पहनने दे, चप्पल छोड़ो, चलो बुआ जी चलो। अरे 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 चलो, भगवान झूठ ना बुलाए, अरे हमारी कलाई लचक जाएगी, कहाँ ले जा रही है बता तो सही। तेरी वो घड़ियों की घंटियां ना अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है, बता भी दे बात क्या है। बुआ जी आप भी कमाल करती हो, वैसे तो छोटी से छोटी बात आपको बड़े अच्छे से याद रहती है, अब आप भूल गई कि कल रात को भाई और सलोनी को एक ही कमरे में बंद किया था, दोनों पूरी रात साथ में थे, और अब दिया भाभी आने वाली है, सोचिए जब वो आएंगी तो कितना बड़ा धमाका होगा। अरे हम तो भूल ही गए थे, तेरी माँ कहाँ है? मम्मी को भी बोल दिया है आने वाली है। देखिए बुआ जी, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, सुबह सुबह दिया भाभी को फोन कर दिया था, वो चांदनी चौक से निकल चुकी घर आने के लिए, कह रही थी रात भर से अरमान से बात नहीं हुई, बहुत परेशान थी। लगता है आ गई बुआ जी, जैसा मैं बोलती जाऊं ना बस वैसा वैसा करती जाइए, ठीक है? जगराते में बैठना कितना मुश्किल लगता है ना कभी कभी बुआ जी, थक गए बहुत। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। अरमान कहाँ है? सारी रात से बात भी नहीं हुई, ऐसे कहाँ बिजी है? अरे भाभी आप आ गई, पापा ठीक है? आपके पापा ठीक है? सब ठीक से हो गया ना? बुआ जी अभी स्टिचेस खुलने बाकी हैं और 3 महीने कुछ दवाइयाँ और चलेंगी। हाँ भावना तुम्हें पता है अरमान किधर है? अपने रूम में ही होंगे, और कहाँ जाएंगे? मैं आती हूँ। चलो 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 आओ। अरमान, अरमान कहाँ चले गए? मेरे मिस्ड कॉल और मैसेजेस भी हैं, देखे तक नहीं। क्रिश के कमरे में भी नहीं, शायद मम्मी जी के कमरे में।
के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।